देखेंगे एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज 2.3। इसमें क्वेश्चन है देखेंगे कि यदि क्यू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी एक्स से, किससे जी एक्स से भाग देने पर भागफल जो है क्या, भागफल भागफल और शेषफल क्रमशः कितना है, एक्स माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4, तो निकालना क्या हमें जी एक्स, क्या निकालना है जी एक्स। ध्यान से देखेंगे इसको, चलो इसमें इसका हल करना है हम लोगों को। ये क्या दिया है, पी एक्स दिया है, ठीक है, पी एक्स कितना दिया है, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 हमको, और क्या दिया है, ये क्या दिया है क्यू एक्स, क्या दिया है क्यू एक्स भागफल, और ये क्या दिया है शेषफल, क्या होता है आर एक्स, ठीक है, हमको निकालना क्या है जी एक्स, क्या निकालना है जी एक्स। तो जी एक्स निकालने का तरीका क्या है, देखो अच्छा ये जानते हैं हम लोग, भाजक, ध्यान से देखिएगा, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भाग फल प्लस शेष शेष फल बराबर क्या होता है भाज होता है, क्या होता है भाज, यानी कि भाजक को हम लोग क्या बोल सकते हैं जी एक्स, क्या बोल सकते हैं जी एक्स, भागफल को क्या बोल सकते हैं क्यू एक्स, और शेषफल को आर एक्स, और भाज्य को जी एक्स, बस समझे, तो हमको निकालना क्या जी एक्स, क्या निकालना है जी एक्स, तो देख लेंगे, देखो यहां ध्यान से कि जी एक्स बराबर पी एक्स है, इधर ए देखो यहां इधर पी एक्स है, ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा आर एक्स माइनस, और ये गुना है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बटे होगा क्यू एक्स बटे हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू एक्स बटे में, तो हमको जी एक्स निकालने का ये फॉर्मूला है, क्या है ये फॉर्मूला, ठीक है, तो जी एक्स इससे निकलेगा, ध्यान से समझे, अब इससे जी एक्स निकालेंगे, देख लो ध्यान से, जी एक्स बराबर ध्यान से रखना पी एक्स कितना, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, अब घटा क्या देंगे आर एक्स, आर एक्स कितना है माइनस 2x प्लस 4, बात समझिएगा ध्यान से, अब एक काम करते हैं, और फिर बटे कितना है क्यू एक्स है, बटे क्या है क्यू एक्स है, क्यू एक्स क्या है एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, अब ध्यान से देखना है, अब ध्यान से एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस, ठीक है, अच्छा ये चीज देखो ध्यान से, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ एक्स और प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, हाँ या ना बोलना होगा, तो चलो 3x, अब ये देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो देख लो यहाँ प्लस जैसे कि 2 है और माइनस 4 है, ध्यान से देखना, तो आज प्लस 2 और माइनस 4, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 2 बचेगा, हाँ या ना बोलना माइनस 2, और बटे क्या बचा एक्स माइनस 2, ठीक है, अब इससे इसमें भाग देंगे, क्या देंगे भाग देंगे, तब तो जी एक्स निकलेगा, भाग दो यहाँ देखो ध्यान से, एक्स से भाग देना, एक्स माइनस 2 से भाग देना किसमें क्यू एक्स, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, ठीक है, अब ध्यान से देखो, समझ में नहीं आएगा कुछ लेना, देखो x है यहाँ, x क्या क्यू क्यू, तो x को कितने से गुना करेंगे कि x का पावर 3 हो जाए, स्क्वायर वाले से, चलो स्क्वायर से गुना करेंगे, x क्यू फिर यही स्क्वायर से माइनस 2 में गुना होगा कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, अब एक काम करो यहाँ माइनस का चिन्ह और यहाँ प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस वाला ज्यादा है कि प्लस वाला ज्यादा है, माइनस वाला, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा,
प्लस थ्री एक्स प्लस सॉरी माइनस टू, ठीक है। अब तुम लोग बताइए यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस दे देंगे। अब यहाँ एक्स है तो यहाँ स्क्वायर है तो x को x से गुना करेंगे तब ना स्क्वायर में आएगा, आएगा कि नहीं, x तो क्या हो गया माइनस x स्क्वायर, फिर यही माइनस x और माइनस 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 2x। ध्यान से देखना, अब यहाँ देखो यहाँ माइनस से क्या चिन्ह देंगे प्लस, और यहाँ प्लस से क्या देंगे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला कम प्लस वाला ज्यादा तो प्लस तो प्लस रह जाएगा चिन्ह, ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ के सेम चीज ये है और सेम चीज ये, एक बार में लग जाएगा प्लस वन से लगा कितना आया जी एक्स, तो लिख देंगे आपका जी एक्स बराबर जी एक्स बराबर कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, समझे। हाँ तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है, थैंक यू।